been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kickin' it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. आज हम लोगों का तीसरा दिन ट्रिप का. हम लोग अभी बरशेनी में हैं. अभी हम जाएंगे खीरगंगा. तो अभी हम लोगों को बूट्स लेने हैं क्योंकि खीरगंगा में थोड़ी बर्फ है उसके पर्पज से. और एक स्टिक खरीदनी है. अभी हम लोग ले रहे हैं जूते और स्टिक. ये हमने स्टिक प्रेफर करी है. ये वाली लगी लगी उसके मारे. ये मेरे को सबसे साथ नंबर जूते पहनाना चाह रहा है. सॉरी भाई मैं कह रहा नहीं आएगा साइज मेरे. ऊपर जाके फोटो लेंगे भाई जल्दी जल्दी लेट हो जाएंगे. हाँ वो भी बोला लेट हो गया था. अभी हम लोगों ने जूते ले लिए स्टिक ले ली. अभी कर रहे हैं ट्रैक स्टार्ट. ट्रैक जो है कम से कम 7 घंटे की तो पड़ेगी. कल हमने एक बंदे से पूछा था तो उसने 12 बजे स्टार्ट करी थी दोपहर में. वो पहुंचा था शाम को 7 बजे. तो अब कोशिश करेंगे हम लोग भी कि जल्दी ख़त्म हो जाए. और आज रात का स्टे वहीं होगा. हम कल वहां से वापस आएंगे सुबह. हाँ जी हेलो. मैं सारा रिवर्स करके तुमको ऑफिस घर ले आया. ये जो वीडियो है ये जो मतलब पूरा व्लॉग है ये Day 3 का व्लॉग है. Day 2 का व्लॉग हमने बनाया था लेकिन somehow वो सारी की सारी फाइलें फ़ोन में से पता नहीं कैसे डिलीट हो चुकी हैं. अब पता नहीं क्या हुआ लेकिन कुछ भी नहीं मिला Day 2 का. Day 2 में बेसिकली ये हुआ था कि हम लोग यहाँ से 3 लोग गए थे साथ में. तो एक अपने घर वापस जा चुका था उसे कुछ काम था. तो बचे दो लोग गए थे मणिकरण. मणिकरण से गए बरशेनी. मणिकरण में मेजर अट्रैक्शन है जो वो है गुरुद्वारा और एक शिव मंदिर. क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो पानी बहता है वो नेचुरल हॉट वाटर है. मतलब साइड से पानी बहता रहता है तो वो गुरुद्वारे में से मतलब पता नहीं गुरुद्वारे में से बहता है क्या बहता है पर हाँ वो पानी बहता है वहाँ पे. लेकिन वो नेचुरल हॉट वाटर है. वो ऐसा नहीं गर्म पानी कर रहा नहीं पूरा हॉट वाटर है. शिव मंदिर उसमें बंद था. उसके बाद मणिकरण जो है कसौल से वो वॉकिंग डिस्टेंस पे यानी 30 से 40 मिनट की वॉक पे हम लोग 1 घंटे मज़े मारते मारते 1 घंटे में पहुँच गए थे. वहाँ तक बसें भी जाती हैं मणिकरण तक लेकिन बसें हम लोगों ने ली नहीं क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो गया था. हम लोग 12 बजे निकले थे कसौल से तो इसलिए. उसके बाद बरशेनी तक हम लोगों ने टैक्सी करी. टैक्सी में हम लोगों ने सोचा कि पैसे बचाते हैं. 600 रुपये की पर टैक्सी हो रही थी और हम लोग दो लोग थे तो हम लोगों ने 2 लोग और ढूंढे. 4 लोग हो गए तो 150 पर हेड करके हम लोगों ने टैक्सी में अपना योगदान दिया पैसे बचाए और बरशेनी में रात में पहुँचे. वहाँ पर स्टे किया. फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया. अब आगे देखो. हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है. जो वहाँ से लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बीच में रुद्रनाथ पड़ेगा जो खीरगंगा ट्रैक का बेस कैंप है. तो वहाँ से आपको गाइड लेनी है तो आप ले सकते हो. अभी हम लोगों ने उस पॉइंट से ये पूरा कवर किया है. यहाँ से आगे कंटिन्यू करनी है. अभी हम लोगों को इसके ये जो रास्ता है यहाँ से
चढ़ के ऊपर जाना है पूरा, ये सब लोग जा रहे हैं। देखते हैं कि वहाँ उस पॉइंट पे कैसे चढ़ेंगे हम। और एक चीज़ और, ये जो हमारा बैग है ये मतलब दिखने में लग रहा होगा भारी है, पर ये हल्का, इसमें हम दो लोगों का सामान है। हंस कह रहा है भाई। ये पुराना से रास्ता है, इधर दो रास्ते थे, एक ऊपर से था वहाँ पे चढ़ाई थी, यहाँ पे हमको थोड़ी सी चढ़ाई नहीं मिली, मतलब ढला नहीं है, हमने दूसरा रास्ता निकाला एक जो उसके बिल्कुल साइड में था। और ये रास्ता सही है, बट अल्लाह के पास सही जूते हो और एक स्टिक हो ऐसी और थोड़ा दिमाग हो, तब आप कहीं से कहीं पहुँच जाओगे। अभी 2:11 हो रहे हैं, मैं भी 4 घंटे और लगेंगे ऊपर जाने में। सर रास्ता है जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ब्लॉग में जो मैंने वो बर्फ वाला पहाड़ दिखाया था वो ये वाला है। अभी हम यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, हमें घूम के अभी वहाँ जाना है। नहीं मरेंगे भाई, आजा। सिर्फ एक स्मॉल ब्रेक लिया है, उसके बाद अभी 2 घंटे की और करनी, 2 घंटे ना, दो या ढाई में चढ़ जाएंगे। चाय पी रहे हैं, उसके बाद आगे ट्रेकिंग स्टार्ट करेंगे। A few moments later, it's good to be here, man. अभी हमने जो नॉर्मल रास्ता था पीछे वो कवर कर लिया, अभी यहाँ से आगे से पूरा बर्फ का रास्ता स्टार्ट होने वाला है, जिसमें जो चढ़ाई है वो पूरी ऊपर है। आ रहा हूँ, ज्यादा भी लग सकते हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं भाई, पांडे क्या कर रहा है यार तू, बर्फ फेंक के मार रहा है। ए यार तू बेवकूफ आदमी है, कभी भी ऐसे फुद्दलों के साथ मत आओ यहाँ पे। साले ने 2-3 बार बर्फ फेंक के मार चुका है स्टार्टिंग से। पांडे भाई तू पागल है क्या, हो गया? ये स्लिपरी होगा थोड़ा। ब्राउन आइस ब्लैक आइस जलता है यार। हाँ ओ ब्रो,
भाई बहुत चलना है यार, नीचे बहुत बर्फ है, ऊपर पता नहीं क्या हाल होगा जब कैंप वगैरह लेंगे। पर एक बात है, बहुत सही जगह है यार ये, बहुत सही जगह है। ऑलमोस्ट ये सारा कवर है बर्फ से, पीछे जो आवाज़ आ रही है ये झरने की आवाज़ है, पूरा वहाँ तक बहता है। अब मैं कैमरा कर रहा हूँ बंद, जब खीगंगा पहुँचने वाले होंगे तब स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत फोकस की ज़रूरत है चलने के लिए बर्फ़ में, वरना अगर गिरे तो भैया वहाँ पड़ोगे जाके हाथ नहीं आने वाले, सीधा मौत होगी। ये मनहूस आदमी साले भाई, पांडे पांडे हम सोच के आए थे चढ़ जाएंगे मजे मजे में, या भाई पट चुकी है बुरी तरह से, किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ये कितनी दूर है। नीचे से आया बोला भाई 5 किलोमीटर, बीच में बोला किसी ने 4 किलोमीटर, यहाँ हमें बंदा मिला वो कह रहा है 7 किलोमीटर। भाई चुप रहा भैया, चुप रहा है, एक मिनट रुक जा। अगर सर्दियों में खीरगंगा ट्रैक आओ, मजा आओ, आओ माँ आओ, ये नहीं कभी भी आओ, लेकिन सेफ्टी के साथ आओ। अब यहाँ पे आधे लोगों ने क्या कर रखा है कि जूतों में आगे आगे सॉक्स लगा रखे हैं ग्रिपिंग के लिए, क्या करोगे इतना करके। एक बंदा भी स्लिप हो गया, मैं उसके साइड में चल रहा था, अगर मैं ना होता उसको पकड़ने के लिए वो जाता नीचे। यहाँ शक्तिमान नहीं हूँ भाई। हम लोग हाफ में आ चुके हैं, 3 किलोमीटर है यहाँ से अब किरियों का, अभी ब्रेक लिया है, बहुत बुरी तरह भूख लग रही है, बहुत ठंड है यार, बहुत हद वाली ठंड है, मतलब हद वाली। हमने पानी की बोतल ली, इसके अंदर ही बर्फ़ जमी हुई है, अब लगा लो अंदाज़ा कितनी ठंड है यहाँ पे। अभी बस थोड़ा कम बचा है, हम लोग पहुँचने वाले हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं यहाँ पे जहाँ पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। ये आदमी 2 बार लुढ़क चुका है। अभी हमको ये पूरा क्रॉस करना है, उसके बाद हम पहुँचेंगे। अच्छा एडवेंचर्स यार।